जल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपनी बाही, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाही, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। तो अभी तक जितना तुमने देखा वो गलगोटिया के अलग अलग हिस्से थे। तो एक्चुअली क्या था कि आज का व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ अपने सभी नहीं, मतलब आज का जो व्लॉग है वो बनाने वाला हूँ कुछ मित्रों के साथ, और दिखाऊंगा तुमको गलगोटिया के दो तीन ब्लॉग और कैंटीन, और बाहर वाली कैंटीन देखना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को एंड तक देखना ठीक है। आज की वीडियो और भी अलग होने वाली है, टूर करें आज का, चलो। अच्छा चलो, तुम्हें एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि अगर तुम्हें अटेंडेंस एडमिशन या किसी भी चीज़ टाइम टेबल या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इशू है तो थर्ड फ्लोर पे वैक्ट्री सर के रूम के सामने आ जाना, जैसे बालिका बच्चे खड़े हुए हैं, और ये रहा रूम। तो भाई गलगोटी यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है वो ये रहा, मतलब ये सामने हॉस्टल देख रहे हो, ये हॉस्टल है, यहाँ ग्राउंड है, इधर से बिल्डिंग है हमारी, और इधर ग्रीन एरिया पूरा, और यहाँ से निकलते ही चार साल डायरेक्ट सामने तुम्हारा पड़ जाता है कैंटीन वाला एरिया, कैफेटेरिया बोलते हैं इसको दूसरा नाम से। तो ये अपना कैफेटेरिया पहुँच चुके हैं, अभी हमारी क्लास आज ऑफ है इस वजह से हम लोग यहाँ पे घूम पा रहे हैं, मैंने क्लास में होते इस टाइम पे। तो ये बी ब्लॉक और ए ब्लॉक के बीच में जो मिलन होता है वो वाला एरिया ये वाला है, और उधर दूसरा रास्ता है, और इस तो यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो मैं कैमरा ऑफ कर ले रहा हूँ पहले। एक्चुअली जाना यहाँ पे बैठ नहीं सकते, अभी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो बंदे निकाल देते हैं पहले ही बार, तो इसमें जितनी भी क्लास है सारी लॉकड है आज, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम चल रही सब बच्चों की। तो ये अपना है यहाँ का सस्ता गार्डन, गलगोटिया का गार्डन, साइड में हो जाए यार, आगे आगे ना चला कर मेरे। तो ये सस्तो, ये गलगोटिया का अपना गार्डन है, और ये अमन, ये चौधरी साहब और दो तीन लोग यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, वहाँ से अपनी एंट्री होती है, भले ही मैं बाद में बता रहा हूँ अंदर घुस के वो बात अलग है, और यहाँ के सुपर सुपर डुपर वाले सबसे पुराने बंदे ये बैठा हुआ है, वो नीचे जो बैठा है उसकी बात कर रहा था मैं, और उधर ये यहाँ के सीनियर है। हाँ ये है पार्किंग जोन उधर जो आप देख रहे हो, दिखा दूंगा फिर से कोई बात नहीं। तो ये सामने जो तुम देख रहे हो ये है, ये क्या है, ये हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, और ये है ए ब्लॉक, और यहाँ पे भी कारें वगैरह खड़ी होती हैं, ग्रीन एरिया है पूरा ये, यहाँ पे सरस्वती के सामने से ए ब्लॉक शुरू होता है, और ए ब्लॉक के साइड में इधर की तरफ को ERP ऑफिस है, तुम नए हो तो पहले ही जान लो, और इधर सामने की तरफ कांग्या, हाँ ये सामने NIU है, उधर जूम कर रहा हूँ उधर तरफ को, और क्या बस इतना ही है। कॉलेज का बाहर का बस स्टैंड जहाँ कोई बस नहीं आती, ये कॉलेज का एक्सटीरियर है, और इंटीरियर सुबह से तुम देख ही रहे हो, उसके बाद ये बहने यहाँ खड़ी रहती है जो तुम्हें बॉटनिकल तक उठा कर ले जाएंगी, और फिर तुमने कॉलेज की जब सामने ही चलना पार हो जाएगी। ये यहाँ पे ये वो इधर की तरफ है, ये देख लो यहाँ सब कुछ मिलता है पेड़ भरने को सस्ते में, वो बढ़िया भी टिकाऊ भी है, टिकाऊ गया मतलब पेड़ भरने लायक सब कुछ ही है। तो भाई सस्ते चाय पीने के बाद सबके सब वापस जा रहे हैं अंदर की तरफ, अब लंच होगा डायरेक्ट ही, तो लंच में कुछ खाना वाना होगा उसके बाद गाड़ी आती है। मीना बच के, मीना इस अजीब बंदा, ये अपनी टेरिस है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, और ये सामने ये तो हॉस्टल ही है, और वो NIU है, और तो अभी क्या यहाँ पे लंच शुरू हो चुका है, और यहाँ पे छोटी महफिल जमी पड़ी है, बहुत खतरनाक होती है, मैं ढूंढ ढूंढ के मारती हूँ।
फटाफट आ गए। आलू ही है ना, वो भी है, आलू गोभी है, आलू गोभी। अबे सही है, खाना ही है, शायद लग रहा है। तो आराम होते साले, नॉन वेज खिला देते बिना बताए। सब एक एक बाइट ले लो अपना अपना। I'm on my way to your old type of side.